कांग्रेस ने कर्नाटक से भाजपा प्रत्याशी मणिकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। डोईवाला कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक से भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी दी है, इसीलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा उनके परिवार को मारने की धमकी दी है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ दलित नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में राठौर के इस दुर्व्यवहार से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आहत है। डोईवाला किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मणिकांत राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।